नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रौनक। चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। आज के शुरुआत करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज अब 22 सितंबर और टाइम और रात के 11:30 बज रहे हैं। तो बेसिकली एक शेयर और है जिसमें हम पैनी शेयर समझिए या मल्टी बैगर बनेगा आने वाले समय में, इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे इसमें आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के साथ इन्वेस्ट करके चलते तो आप अच्छे आपको रिटर्न मिलेंगे इसका इस शेयर के अंदर। तो बेसिकली मैं शेयर जो है ये मैंने देखिए कंपनी की वेबसाइट ओपन कर रखी है। संत गोविंद के नाम से कंपनी है, पूरा नाम भी थोड़ी देर में बता दूंगा आपको। संत गोविंद सुकृति लिमिटेड है, ठीक है। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, कंपनी का जो काम है, आप जो भी आपने देखो व्हीकल देखेंगे, 3-व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, उसमें जो भी विंडो ग्लासेस होते हैं उसमें आपने संत गोविंद के ग्लासेस देखेंगे मोस्टली। और ये बहुत ही यानी कि मोबाइल के अंदर मोबाइल एक्सपेंस मोबाइलिटी के लिए भी इनके ग्लासेस यूज़ होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ग्लास मैन्युफैक्चर कंपनी है, ठीक है। कंपनी का काम है ग्लास मेकिंग करना है। तो ग्लास आप समझ चुके हैं कौन से ग्लास की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने बताया ना आपको, जितने भी कमर्शियल व्हीकल यानी कि जितने भी ट्रक, टेम्पो, बसेस, बाकी इन चीज़ों में जो भी यूज़ होते हैं ग्लासेस जो बनते हैं विंडो साइड के, ठीक है, तो वो होते हैं संत गोविंद के बने होते हैं। बेसिकली कंपनी अच्छी है, ब्रांड भी अच्छा है। तो अब समझते हैं इसका कंपनी का ओवरव्यू, क्यों ये सही समय इसमें इन्वेस्ट करने का, ये भी समझते हैं क्या इसमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, ये भी समझते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये मैंने गूगल ओपन कर लिया, गूगल पे मैंने संत गोविंद सुकृत इंडिया लिमिटेड का ये ओवरव्यू ओपन कर रखा है। कंपनी देखिए कब से फाउंडेड है, कंपनी 1973 से यानी ट्रस्टवर्थी कंपनी है। तो कंपनी में ट्रस्ट कर सकते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। कंपनी काफ़ी लॉन्ग समय से रनिंग में है। और एक चीज़ और समझाता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो ये देखिए आज जो ट्रेड हुआ है ये 0.17% की तेज़ी के साथ ट्रेड हुआ। कंपनी ओनली BSE पर रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब इसका ओवरव्यू समझते हैं। ये देखिए इसका ओवरव्यू है, इसका 50 ओपन होता है आज ये 59.35 पैसे पे, हाई मारता है 61.50 पैसे का, लो मारता है 59.35 पैसे, जितने पे ओपन हुआ उतने का ही लो होता है इसका, ठीक है। इसका 52 हाई है 81 रुपये और इसका 52 लो है 50 रुपये, यानी कि ये अभी अपने 10 रुपये 52 लो से है। मैं यही बताने वाला था आपको कि देखिए अपने 52 लो से बस 10 रुपये ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम अब भी इसमें इन्वेस्ट करते तो आने वाले समय में इसमें कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट होगा जरूर, ठीक है। 52 हाई इसका 81 रुपीज़। अब इसका थोड़ा सा समझते हैं, इसके ओवरव्यू और थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये देखिए मैं स्कैनर के साइड पर आ गया हूँ। तो कंपनी का ओवरव्यू समझते हैं। संत गोविंद सुकृत इंडिया लिमिटेड का मार्केट कैप है 552 करोड़ रुपये का मार्केट कैप है। ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं, छोटी कंपनी है। बाकी ये है कि भाई कंपनी ट्रस्टवर्दी है काफ़ी समय से और प्रोडक्ट इसका काफ़ी अच्छा है, ब्रांडेड है कंपनी, ब्रांड ओन करती है कंपनी, ठीक है। PE भी सही है, ROC भी सही है, बुक वैल्यू भी है इस कंपनी की अच्छी, ठीक है। ROE भी सही है, देखिए फेस वैल्यू काफ़ी अच्छी है 10 रुपये की, ये काफ़ी अच्छी बात होती है, जितनी अच्छी फेस वैल्यू उतना अच्छा होता है। अब कंपनी के बारे में जो पॉजिटिव साइन है, कंपनी ऑलमोस्ट कर्जा मुफ्त है, यानी ऑलमोस्ट कर्जा फ्री है कंपनी, ठीक है। कंपनी क्या कर रही है, क्वार्टर क्वार्टर वाइज रिजल्ट अच्छे रिजल्ट दे रही है कंपनी, ये दो प्लस पॉइंट हो गए कंपनी के, ठीक है। 60 रुपये में कुछ जाएगा नहीं आपका, अगर आप 100-500 शेयर लेके भी डाल देंगे आने वाले समय पे आपको मल्टी बैगर की तरह ये अच्छे रिटर्न देगा ये कंपनी, ये अच्छी बात है। क्योंकि हमें बस एक, मैं आपको जितनी वीडियो बनाता हूँ वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से बनाता हूँ, क्योंकि ना तो मैं आपको इंट्राडे देता हूँ ना मैं आपको शॉर्ट टर्म के कोई टारगेट ज़्यादा जल्दी देता हूँ, क्योंकि मैं देता हूँ इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कि आपका एक रुपये की कैपिटल भी लॉस ना हो। अब देखिए आप क्वार्टर बाई क्वार्टर रिजल्ट समझते हैं। तो दिसंबर के अंदर इन्होंने 7 करोड़ रुपये का प्रॉफिट जनरेट किया था, वही मार्च के अंदर 9 करोड़ रुपये का, यानी कि दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर के अंदर अच्छा रिजल्ट आया था इनका। और ईयर वाइज देखेंगे तो मार्च के अंदर और इस मार्च 2020 के मार्च में यानी कि 100% इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया था। वही जून के अंदर ओनली बस 4 करोड़ का वो था, बाकी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग थी। जून के अंदर इन्होंने 5 करोड़ का था। ईयर वाइज देखेंगे तो जून के अंदर माइनस में थे बट 100% प्रॉफिट दिया था, ठीक है। ये अब काफ़ी अच्छी बात है कि क्वार्टर वाइज थोड़ा सा अप डाउन चल रहा है, पर ईयर वाइज भी कंपनी अपने आप को ग्रोथ की तरफ है, यानी कंपनी की सेल ईयर वाइज बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये प्लस पॉइंट है।
ईपीएस इसका अच्छा, नेट प्रॉफिट इसका सही है, काफ़ी सही चल रही है। देखिए अब एक चीज़ और समझाता हूँ, अब ये आ गए हमारे ईयर ईयर वाइज रिजल्ट आ गए हमारे। ये देखिए मार्च के अंदर इन्होंने नेट प्रॉफिट किया था 19 करोड़ रुपये का, वही मार्च 2021 के अंदर 16 करोड़ रुपये का, यानी 3 करोड़ का डिफरेंट था। बाकी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग थी, ईपीएस भी ग्रोथ कर रहा था कंपनी का, बाकी कुछ नहीं है। देखिए छोटा मोटा, क्योंकि कंपनी के ज़्यादा ज़्यादा बड़ी सेल नहीं है कंपनी की जितनी, अब काफ़ी अच्छे। बाकी कोविड के चलते हो, जब अब ग्लासेस का काम चल रहा है, ग्लासेस की मैन्युफैक्चर बढ़ेगी, तो डेफिनेटली आने वाले समय में जो भी ट्रेंस बाकी चीज़ों में सब एसी में कन्वर्ट होंगे, तो बेसिकली आने वाले टाइम पे ग्लासेस की और डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर कोई ग्लासेस की तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है। मुझे लगता है कि अब संत गोविंद का अच्छे दिन आएंगे, तो बेसिकली इसमें हम सही समय से इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले समय में अच्छे रिटर्न मिलेंगे हमारे को। ये देखिए ईयर ईयर वाइज भी देखेंगे तो आप देखिए, यानी एवरी ईयर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग चल रही है, बाकी ऐसे कर्जे से कम अपना अपना लाइबिलिटी कम करिए, आपको दिखाता हूँ लाइबिलिटीज़। ये देखिए ज़्यादा बड़ी लाइबिलिटी नहीं है, अभी इन पे 171 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है मार्च 2021 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2022 के अंदर शायद ये लाइबिलिटी कम हो जाए तो कंपनी का शेयर तेज़ी के साथ भाग सकता है, ठीक है। बाकी ईयर ईयर जून के क्वार्टर के रिजल्ट आपने देख लिए, काफ़ी अच्छे थे, ईयर ईयर वाई भी अच्छे थे। बाकी देखिए कंपनी अपनी लाइबिलिटी कम करी है, सबसे अच्छे प्लस पॉइंट है कंपनी के बारे में। अब मैं ओवरव्यू समझा, मैं टिकट एक भी साइड पर आ चुका हूँ। ये देखिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है, देखिए एवरी ईयर कंपनी वो दे रही है, ठीक है। नेट स्टैंडर्ड प्रॉफिट दिया था इसने 3 करोड़ रुपये के आसपास का, यानी कि रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी। अब आते हैं हम चार्ट के अकॉर्डिंग, अब मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग समझाता हूँ, चार्ट के अकॉर्डिंग क्यों मैं बता रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे रिटर्न मिलेंगे, अच्छे प्रॉफिट आप कैपिटल बनाओगे इसके अंदर। ये मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर रखा है, तो अब डेली चार्ट पे देखिए ये कल के दिन, ये 21 सितंबर को इसके अंदर एक कैंडल बेरिस कैंडल ट्रेंड होती है, इस कैंडल को बोलते हैं हैंगिंग मैन कैंडल बोलते हैं, इसको हैंगिंग कैंडल बोलते हैं, क्योंकि देखिए इसके अंदर जितनी गिरावट होनी चाहिए वो गिरावट हो चुकी होती, ठीक है। बुलिश हैमर बेरिस हैमर इन्वर्टेड हैमर बनाता इस कैंडल बनाता, तो उसके बाद एक हैंगिंग कैंडल बनी है, उसके बाद क्या हो गया इसमें गिरावट ख़त्म हो गई। हैंगिंग कैंडल का मतलब है जितनी इसमें गिरावट होती है हो चुकी है, तो आज इसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बुलिश ट्रेड करी है। आज के दिन में आज जो इसका बिजनेस किया है इसमें इसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बुलिश ट्रेड करी है, और इसका देखिए RSI भी अब ट्रेंड की तरफ आ गया, और ये टच करके MACD कल की रेट में ये अब ट्रेंड की तरफ चलेगा। और देखिए अपने 52 लो से 10 रुपये ही कम है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर ये देखिए इसके अंदर हम स्टॉप लॉस भी करते हैं तो 57 का स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करिए, आने वाले समय में अच्छे रिटर्न देगा। मुझे लगता है कि इसमें तीन टारगेट दे रहा हूँ। पहला टारगेट आएगा इसमें 65 रुपीज़ का, दूसरा टारगेट 70 रुपये का, तीसरा टारगेट आएगा 80 रुपये का। मुझे लगता है कि आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर तीनों टारगेट मेरे अचीव होंगे। पहला टारगेट 65 रुपये का, दूसरा टारगेट 70 रुपये का, तीसरा टारगेट 80 रुपये का। इन तीन टारगेट लिए आप बाय करिए, 57 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करिए। मुझे लगता है आने वाले समय में ये डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न देगा, क्योंकि कंपनी कर्जा मुक्त है ऑलमोस्ट, कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कंपनी के अंदर जो देखने वाली चीज़ होती है वो सब इसके अंदर पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें बस एक अपमूव की तरफ है, कंपनी जैसे भी कुछ भी एक्शन लेगी तो डेफिनेटली कंपनी के अंदर और भी अच्छे अपमूव मिलेंगे आपको देखने वाले। आने वाले समय में इस कंपनी का सर और भी अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा होगा, और आपने पोर्टफोलियो में प्लीज़ इसको ऐड जरूर करिए, क्योंकि अच्छे रिटर्न देगा आने वाले समय में। इन तीन टारगेट लिए आप बाय करिए और पिछले साथ बने रहिए। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।